बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैर खेस होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, शादोबाद रहें, जो खुश से नवाजे। जी व्लॉग का आगाज़ करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जो बहन भाइयों के रिश्तेदार हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा। तो हमारी वीडियो इस वक्त सुबह का टाइम है, तो मैं जो अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो इस वक्त जो सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है गांव में, ऐसी खेस जो है ना, वो सर्दी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि मुंह से भी भाफ निकल रही है। तो मैंने ये खेस ओढ़ा हुआ है। तो चलें जी व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। तो बहन भाई जो है ना वो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, तो अपना भी ख्याल रखिएगा। तो इसी के साथ जो बहन भाई बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से तैयार करे, और जिन बहन भाइयों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाजे। जी मैं सुबह सुबह जो अपने गांव की सूरत हाल है वो दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़बारी आज हमारे गांव में हुई है, तो ये सुबह का मंज़र है। सारे जो रेत है वो सफ़ेद हो गई है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है हमारी हवेली में। तो देख सकते हैं कि ये देखें, सुबह का टाइम है, तो यानी हर तरफ इतनी इतनी, जो हम तो इसे कोई कोरा कहते हैं, कोई कक्कर कहते हैं, यानी तो ये घास पे, फूस पे, हर जगह पे आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़बारी जो है ना हुई है। तो वो सूरज जो है ना वो निकल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, सूरज भी निकल आया है। तो इस वक्त हम अपना काम करेंगे। तो मैं जो सुबह सुबह जो मेरी काम की रूटीन होती है पानी लगाना, मैं सुबह सुबह पानी लगाऊंगा, फिर मिस्त्री भाई आ जाएंगे, तो उनको जो है ना वो अपना काम सर अंजाम देंगे, मैं पानी लगाता हूँ। तो क्योंकि ईंटों को तराई हो जाती है, तो फिर जो है ना काम शुरू हो जाता है। तो देखें कितनी, यानी कि ये देखें बर्फ़ जो है ना, मैं दिखा रहा हूँ कि कितनी बर्फ़ जो है ना आज, यानी ये सारी जगह जो है ना वो सफ़ेद ही सफ़ेद हो गई है। तो हमने तो ये फर्स्ट टाइम ही देखा है इतनी बर्फ़बारी। तो चलें जी अब अपना काम करते हैं। अच्छा जी, ऐटा आटा जिहड़ा ना इत्थे पहले एक वाशरूम बनाया हुआ सी, एक गेट दिता, हुण असीं जी जिहड़ा ना इस तरह करन लगे हैं कि मिस्त्री लगाए ने चकला। ऐसे सारे दोनों जने ने जिहड़ा ना सुबह सुबह रोड़ी कुट दी है दीवार च पाउण वास्ते। तो ये ना हुण ट्राली लै ला, ट्राली लै के जिहड़ा ना तो आपां उत्थे दीवार च जिहड़ी है ना वो रोड़ी पा दी है। साड़ी जिहड़ी थोड़ी है ना वो उखड़ी जा रही है, असी आप ही मकैनिकी करन लगे हुए हैं। हाँ जी, रेत की ट्राली आ गई जी। आन दो पीछे आन दो। यह दुरमट पिया ते लेवल हो रहा, ते वाटर लेवल करके ते दीवार दी जिहड़ी है ना वो इत्थे चुनाई करांगे जी। इस वक्त जिहड़ा ना वाटर लेवल कीता करके ते मिस्त्री ने हुण जिहड़ा ना यह सारा हो रहा काम। हाँ जी मिस्त्री साहब किदां? अच्छा ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਰੋੜੀ ਵਾਸ। ਅੱਛਾ ਰੋੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਰੋੜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਰੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁਰਮਟ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ।
हाँ जी आज जरा ना शुरू है जी कमरा यह रूम जरा ना लग रहा जी ते उस तो बाद यह कमरा यानी कि जिन बैठ बनावे यह लग गया कमर हाँ जी देखो तो किस तरह अच्छा तुसी मैनू ये दसो ठीक हो गया ये मुकम्मल मुकम्मल लैन सीधी आ गई हाँ जी सुना जुबैर काम सही हो रहा अच्छा मैं कहना कि एदी भी नाल ही जो प्लस्तर हो जाएगा ना यह भी सोहनी लगन लग जाएगी पहले साडा इरादा सी यह कढ़ा के ना इस जगह पर लैके आन दा ठीक है ना तो मैं कहता सी कि बरो बराबर दो कमरे हो जाते अगे बरामदा आ जाता लेकिन हुण बरामदा दरम्यान च आ गया यह भी सही हो गया ज़्यादा ठंडा रहिंदा बरामदा जिहड़ा ना यह सारा बरामदा आ गया जी दो रूम आ गए यह बरामदा आ गया तो सीढ़ी का हजे डिसाइड करना कि सीढ़ी कितों चढ़ानी है अच्छा जी दीवार भी चकनी शुरू कर दी है ये हम रोड़ी पवा रहे हैं जी तो उधर मजदूर लगे हुए हैं इटा साफ करन इधर जड़े हैं ना ये रोड़ी लैके आ रहे हैं बजरी सीमेंट काफ़ी बंदे जड़े हैं ना काम पर लगाए हुए हैं दो अंदर फर्श चा तीन मिस्त्री पांच मजदूर जड़े हैं ना काम कर रहे हैं छेवां मिस्त्री जड़ा ना मजदूर यानी मेरा गल करने का मकसद यह है कि तीसरा मिस्त्री सुबह आ जाएगा तो इस एक मिस्त्री दा विचों काम जड़ा ना खत्म हो जाएगा वो मिस्त्री इत्थे किचन वगैरह तो जड़ा ओपन किचन बनाना तो वाशरूम तो दीवार वो काम करेगा जी इस वक्त जो मैं अपने भैन भरावों वीडियो ये गल कहना चाहना कि जिन्हें भी मेरे देखने वाले भैन भरा वा देख के दस कि मैं काम करवा रहा कैसा काम हो रहा यह फर्श लगवाया तो ये किस तरह का लग्या मैं वीडियो कमेंट्स जरूर कर और क्योंकि जो देखने वाले भैन भरा कमेंट्स करते हैं ना तो वह कमी कुताई का पता लग जाता कि किस जगह तो मैं गलती कर रहा किस जगह तो मैं ठीक कर रहा तो देखने वाले भैन भरावों की वजह तो मैं पता लग जाता वो बहुत सारी रहनुमाई करते हैं ना उन्होंने पता लगता कि इस जगह तो तुम की कर रहे हो की हो रहा तो इस वजह तो असं कहने कि सानू ज़्यादा तो ज़्यादा कमेंट्स कर ज़्यादा तो ज़्यादा सानू दसन तो ताकि असं जो काम कर रहे हैं सानू पता लग जाता यह मैं जरा ना वो जैबरा डार्क जरा ना वो पत्थर लगवाया तो मैं चौपाल तो खरीद के लैके आया सी ते बाकी जरा ना उधर दूसरे दो मकान बन रहे हैं एक बरामदा वो हजे लेंटर तक पहुँचे ने ते असी इंशाल्लाह जो जो भी काम हो रहा असी अपने देखने वाले भैन भरावों शेयर करांगे ते इहदे नाल ही जल्द चाहूंगे अल्लाह हाफिज़।